इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे आईफोन में बैटरी इंपोर्टेड मैसेज से रिलेटेड जो नोटिस आता है इसके बारे में। देखिए बैटरी रिलेटेड क्या ही बहुत सारे नोटिस आते हैं, ठीक है, वो कहाँ पर दिखाई देते हैं वो भी आपको बताऊंगा मैं। और ये जो मेनली हमारा टॉपिक है वो रिकैलिब्रेटिंग से रिलेटेड है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हम अपने आईफोन की सेटिंग्स में जाते हैं, मान के चलिए यहाँ पर हम जाते हैं, सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर नीचे जाते हैं, यहाँ पर हम बैटरी में जाते हैं और बैटरी यहाँ पर आपको बैटरी हेल्थ एंड चार्जिंग पर जाते हैं, तो बेसिकली यहाँ पर आपको नोटिस वो दिख जाएगा, ठीक है। और पीक परफॉर्मेंस कैपेबिलिटी या फिर उससे जो है ये चीज़ें मैनेज होती है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ ये होता क्या है। देखिए एक्चुअली में ऐसा होता है कि कोई फ़ोन में कोई सिस्टम बग वगैरह आ जाते हैं और आपको मिस इन्फॉर्मेशन से बैटरी कैपेसिटी दिखाती है, तो उसके द्वारा आईफोन के सॉफ्टवेयर द्वारा उसको जो है सेट किया जाता है कि रिकैलिब्रेटिंग किया जाता है जिससे कि वो सही आपको पॉइंट पर दिखाए। ये ऐसा हो जाता है कभी कभी हम पीक पर कभी यूज़ कर लेते हैं तो हो जाता है, या फिर सिस्टम की दिक्कत से भी हो जाता है, या आईफोन के जो सिस्टम वगैरह में दिक्कत होती है तो उससे भी रिलेटेड ये हो जाता है। जैसे अपडेट वगैरह आप कर लेते हैं तो उस सिचुएशन में यहाँ पर जो है आपको दिक्कत हो जाती है। नोटिस यहाँ पर आपको सारे शो करेंगे, अभी फ़िलहाल तो मेरे इसमें कोई नोटिस नहीं है, लेकिन आपको रिकैलिब्रेटिंग का जो है नोटिस आ सकता है। तो उस सिचुएशन में सिर्फ मतलब यही होता है कि 1-2 वीक उनको लगेंगे ठीक करने के लिए, ठीक है। और एक्चुअल में आपकी जो बैटरी परसेंटेज होगी वो आपको फिर दिखा देगी, ठीक है। तो यही रीज़न होता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता। आपको बैटरी चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कुछ नोटिस में बैटरी चेंज करवाने का भी नोटिस आता है, तो इस वाले सिचुएशन में आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये खुद मैनेज करके बता देंगे, अगर आपकी बहुत कम बैटरी परसेंटेज रहती है तो तब वो नोटिस भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा आपके आईफोन के अंदर कि आपको अब आपको चेंज करनी पड़ेगी अपनी बैटरी। बट ये नोटिस उसका नहीं होता है क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो इस सिचुएशन में आप बस आप एक काम कर सकते हैं कि अगर आपके मान के चलिए कोई अपडेट आता है तो उसको रेगुलरली अपडेट कर लीजिए अपने एप्पल के अंदर, ठीक है, अपने आईफोन के अंदर। तो अपडेट करने के लिए सॉफ्टवेयर अपडेट पर जाकर आप चेक कर सकते हैं, अभी हमारे पास लेटेस्ट है तो इसलिए फ़िलहाल कोई अपडेट नहीं है, लेकिन अगर होगा तो आपको मिल जाएगा। तो ये प्रोसेस रहता है इसका सिंपल सा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।